बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करता है, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बट का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। ये बाबा पर विश्वास रख, शंकर भगवान पर भरोसा, विश्वास रखकर कार्य करेंगे, क्यों ना हो।